फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये ऐसी कुरकुरी कुरकुरी टिक्के बनाऊंगी आलू से और सूजी से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखना, एक बार तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी सी बनती है, ये सबको पसंद आती है। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं टिक्की बनाना। फ्रेंड्स, आलू सूजी की टिक्की बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिए, मैंने आलू लिए हैं, ये मैंने बॉईल करके रख लिए थे, ये बिल्कुल ठंडे हो चुके। चार पांच मैंने आलू ले लिए हैं। हरा धनिया लिया है, फ्रेश धनिया है ये। सूजी ली है मैंने, आवश्यकता अनुसार हम डाल लेंगे। और ये मैंने जो मेरा ये है जीरा, ये भुना हुआ जीरा है। और हरी मिर्ची है दो तीन, लाल मिर्ची पाउडर है, और ये नमक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कैसे बनाते हैं। तो ये जो मैंने आलू लिए हैं, इनको मैं अच्छे से हाथ से मैश कर लूँगी। आप और किसी की सहायता से भी इसको कर सकते हो, लेकिन मैं हाथ से ही करूँगी क्योंकि हाथ से बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं इसके अंदर ये जो हरी पत्तियाँ काटी थी धनिया की, ये इसके अंदर डाल दूँगी। उसके बाद ये हरी मिर्ची, भुना हुआ जीरा है, लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। मैं इसके अंदर एक चम्मच डाल रही हूँ, थोड़ी सी और डालती हूँ क्योंकि मेरी चम्मच छोटी है। तो ये मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर एक पूरा नींबू का रस डाल दूंगी। आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, अगर आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप अमचूर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर नींबू डाल रही हूँ। नींबू से बहुत ही टेस्टी बनती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैं इसके अंदर सूजी डाल दूंगी, दो चम्मच हम इसके अंदर सूजी ऐड कर देंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे सब चीज़ों को अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दी है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। उसके बाद हम अपनी टिक्कियाँ बनानी शुरू कर। तो इसको 10 मिनट हो चुकी है हमारा, ये अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। और इधर मैंने तेल रख दिया है इसके ऊपर गैस पे, और मैं तब तक मेरा तेल आएगा तब तक मैं अपनी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। तो टिक्की बनाने से पहले हम अपने हाथों पे थोड़ा सा चिकना लगा लेंगे ताकि ये जो है हमारे हाथों पे चिपके नहीं। तो मैंने देखो अच्छे से लगा लिया है। अब मैं इसमें से लूँगी थोड़ा सा, ये ले लेती हूँ थोड़ा सा डो। तो उसके बाद मैं टिक्की बनानी शुरू करती हूँ। तो इसको ऐसे ऐसे हम कर लेंगे और ज़्यादा मोटी नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा पतली। तो ऐसे करके मैं सारी बना लेती हूँ और इसके अंदर रख देती हूँ। एक और बना के दिखा देती हूँ आपको, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो इसको हम ऐसे करके और बिल्कुल इसको थोड़ा सा हल्के से नीचे से दबाएंगे और देखो कितने अच्छे से ये बन गई है। इसको भी हम रख दें। ऐसे करके मैं सारी बना लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने सारी टिक्की बना के रेडी कर ली है। अब मैं इनको बनाना शुरू करती हूँ। तो तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, हमें ज़्यादा डीप नहीं करना है इनको। मैंने देखो थोड़ा ही तेल लिया है। अब मेरा तेल एक बार देख लेती हूँ, चेक करके आया है या नहीं। तो हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो देखो तेल आ चुका है, इसको निकाल देती हूँ। और अब मैं इसके अंदर अपनी ये सारी कचौरी धीरे धीरे करके डाल देती हूँ। तीन तीन करती हूँ मैं, एकदम से सारी नहीं डालूंगी क्योंकि छोटी है मेरे पास ये पैन मेरा। एक बार इसको मैं थोड़ा सा हिला देती हूँ और इनको अच्छे से नीचे से सिकने दूंगी। उसके बाद मैं इनको पलट देती हूँ।
तो इसको पलट देते हैं हम। तो देखो कितनी अच्छी से नीचे से सीख चुकी है। तो ऐसे करके मैं इन तीनों को पलट लेती हूँ और ये खाने में भी सच में दोस्तों बहुत अच्छी लगती है, आप भी एक बार बना के देखना। तो अभी इसको नीचे से भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ उनको फ्राई, उसके बाद हम निकाल देंगे। और ये कचौरी बहुत ही कुरकुरी कुरकुरी बनती है और खाने में भी अच्छी लगती है। एक बार फिर से हम इसको पलट देंगे, तो ऐसे पलट के और इनको अच्छे से हम अच्छे से ब्राउन करेंगे इनको, बिल्कुल ये कच्ची ना रहे। तो अब इनको हम एक एक करके निकाल लेते हैं और आप खुद ही देख लीजिए ये कितनी अच्छी सी बनी है। अब मैं ये और डालूंगी, तो ऐसे करते हुए हमें सारी बना लेनी है। तो देखिए, और ये है ना बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, आप बच्चे के टिफिन के अंदर भी पैक करके दे सकते हो, क्योंकि ये सबको पसंद आती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है और जल्दी बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी सारी बन चुकी है टिक्की, अच्छे से टिक्की बनी है मेरी आलू की और सूजी की। आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई करना। तो आई होप आज की वीडियो मेरी ज़रूर अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।